भाजपा नेता और व्यापार मंडल अध्यक्ष की फर्म पर जंगला काटकर लाखों की चोरी को अंजाम दिया गया। अजनेरा प्रभारी मौके पर नहीं पहुंचे तो व्यापारियों ने घेरा थाना। भाजपा नेता और व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रेम नारायण सिंघल की फर्म के जंगला काटकर चोरों ने लाखों रुपए की नकदी चोरी कर ली। वहीं थाने में सूचना के बाद भी पुलिस ने 50 मीटर की दूरी तय करने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लगा दिया, जबकि थाना प्रभारी 3 घंटे तक मौके पर नहीं पहुंचे तो पीड़ित व्यापारी के साथ थाने का घेराव व्यापारियों ने कर दिया, जिसके बाद पुलिस बामुश्किल हरकत में आई। भाजपा नेता और व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रेम नारायण सिंघल की फर्म पी एंड ट्रेडर्स के नाम से अजनेरा रोडवेज बस स्टैंड के पास स्थित है। इस फर्म से गुड़, चीनी, रिफाइंड आदि का थोक का कारोबार होता है। बुधवार की सुबह 8 बजे परम स्वामी प्रेम नारायण सिंघल जब ऑफिस पहुंचे तो अंदर फर्म की अलमारी टूटी पड़ी मिली थी। वहीं कागजात बिखरे हुए थे। फर्म के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे की DVR भी चोर अपने साथ छत के रास्ते ले गए। चोर अलमारी में रखे 3 लाख रुपए तथा अन्य सामान चोर चुरा कर ले गए। चोरों ने छत की सीढ़ी का ताला काट कर अंदर प्रवेश किया था, जिसके बाद छत की लोहे की रॉड और ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। इसी रास्ते छत पर होकर चले गए। इस घटना की सूचना पुलिस को थाने जाकर उनके पुत्र मनीष ने दी। इसके बाद भी पुलिस जब मौके पर नहीं पहुंची तो भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम भदौरिया और प्रशांत पूनिया को दी। इसके 1 घंटे बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, चोरी की रिपोर्ट लिखवा कर पुलिस को दे दी। इसके 2 घंटे बाद भी जब थाना प्रभारी निरीक्षक शेर सिंह मौके पर नहीं पहुंचे तो व्यापारियों में आक्रोश पनप गया। पीड़ित व्यापारी प्रेम नारायण सिंघल को थाने ले जाकर पहुंचाया गया, जहां मौजूद थाना प्रभारी निरीक्षक को खरी खोटी सुनाते हुए व्यापारियों ने कहा कि भाजपा के राज में व्यापारी को इसी तरह सुरक्षा प्रदान करेंगे। तब व्यापारियों ने बाजार बंद करने की धमकी दी, तब जाकर पुलिस सक्रिय हुई। फॉरेंसिक जांच टीम बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए गए। वहीं प्रेम नारायण सिंघल ने पुलिस की कार्य प्रणाली की जानकारी व्यापारी नेताओं सहित भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दे दी है। आपने कोई सोचा कि अजनेरा के स्वाभिमानी आदमियों को समाज सिंघवी को बुलाएं? आपने कोई नहीं सोचा? आपने कब सोचा? आपने तो अपने मजे में रहे ना, आपने कभी नहीं सोचा? क्या घटना हुई आज आपके यहाँ पे? मेरे गोदाम का ताला टूट गया रात। अरे कितना माल ले गया? 3 लाख रुपए। 3 लाख अलमारी में रखे थे 10-10 के नोट और 100-100 रुपए। कहाँ से ये मतलब जंगला तोड़ा? क्या तोड़ा इनका? ऊपर छत से आके जंगला तोड़ा, जंगला तोड़ के किवाड़ खोले, किवाड़ खोल के अंदर आके अलमारी तोड़ी, कैमरे की DVR ले गए और जो दराजन थी वो भी तोड़ गए। क्या पुलिस आई है या नहीं आई? पुलिस को इत्तला दी, उसके बाद में आधे पौन घंटे बाद। क्या थाना प्रभारी भी आएंगे यहाँ पे? थाना प्रभारी अभी तक नहीं आए। अभी तक नहीं आए? करीब आपको फोन करे कितनी देर हो गई? 1.5 घंटा हो। 1.5 घंटे से अभी पुलिस नहीं आई है। क्या अब आप लोगों की मांग है? इसमें मांग क्या? ये खुलासा होना चाहिए। नहीं तो क्या? क्योंकि थाने की नाक के नीचे इस तरह के कांड होंगे तो हम सुरक्षित कहाँ होंगे? कोई अभी किसी तरह का मतलब आपका, जैसे अगर नहीं खुलासा होता है? नहीं खुलासा होता है तो आगे की रणनीति बनाई जाएगी। मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ, लखनऊ से बनवाई लाल कंचल की तरफ से। अजनेरा किराना एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, अग्रवाल सेवा सदन का कोषाध्यक्ष हूँ, फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम नारायण सिंघल, प्रोपराइटर पी एंड ट्रेडर्स फॉर्म अजनेरा। क्या नाम है आपका? मैं मनीष सिंघल, भाजपा मंडल अध्यक्ष अजनेरा से। क्या हुआ है आपके यहाँ पे? मेरे चीनी वाले गोदाम पे आज रात को अज्ञात चोरों ने अज्ञात समय पर हमारे फर्म पर रखी हुई अलमारी को तोड़कर, गल्ले को तोड़कर सारी धनराशि लगभग 3 लाख रुपए का चोरी हुई है। जैसे ही 8 बजे हम लोग अपनी दुकान खोलने आए, दुकान खोलने के बाद हमें इसमें ज्ञात हुआ कि हमारे यहाँ चोरी हुई है। मैं तुरंत दौड़ा हुआ थाने के लिए आया, इंस्पेक्टर शेर सिंह जी से मिला तो, लेकिन उनने ना तो कोई प्राथमिकता दी मेरे पर्चा देने के बाद भी और ना उनने कोई तवज्जो दी। थोड़ी देर बाद एक कांस्टेबल और जीप लेके वहाँ चले गए और वीडियो। कितनी देर बाद? लगभग 1 घंटे बाद वो लोग वहाँ हमारी दुकान पे पहुँचे। उसके बाद लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब व्यापारीगण पूरा अजनेरा का जब इकट्ठा होके आया तब शेर सिंह जी जागे हैं और अभी भी वो नहाने के लिए। अजनेरा का थाने का घेराव भी किया गया? थाने पर पूरा 100 लोगों का एक जन समूह आया है और जिसने शेर सिंह जी को सोते हुए जगाया है। हाँ,
क्या कह रहे हैं शेर सिंह जी? शेर सिंह जी अभी नहाने गए, वो नहाने गए अभी। हाँ। कोई अभी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है? नहीं। कुछ आगे ही रणनीति बनाएंगे आप? बिल्कुल, अगर पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट ना हुए तो ये बाजार पूर्व में भी बंद होता आया और आगे भी बंद होगा। व्यापारियों की एकता और अखंडता को देखते हुए पुलिस प्रशासन को ये अवगत हो जाएगा कि अछनेरा में व्यापारी घर किसी से दबा कुचला नहीं है, पूरा सक्षम और सहयोग। पिछले कार्यकाल और भी आपके साथ घटना हो चुकी इस तरीके की? इससे पहले भी 4-5 साल पहले भी घटना हुई थी, तब 3 दिन हमारा अछनेरा व्यापार का पूरा बंडल बंद रहा था, तब पुलिस कार्रवाई जारी। पुलिस की बड़ी सफलता रहती है और बड़ा, पुलिस हमारी अछनेरा की संवेदनशील नहीं है, व्यापारियों का सहयोग नहीं करती है? नहीं। क्या नाम है आपका? मनीष सिंगल।